अरे मैं लड़ू तो किसो, आज भगवान की ही माया है जो सनकादि ऋषि आते हैं और श्रापित करते हैं, और आज सारे देवगण मैया के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हे देवी इस बच्चे को जन्म दे दो नहीं तो सब जल जाएगा। मैया ने कहा कि हे देवगण कैसे जन्म दो, अगर इसे जन्म दे दूंगा तो पूरे संसार को ये कष्ट देगा। हे देवी जन्म देने के बाद ये कष्ट देगा ये तो दूर की बात है, अगर ये गर्भ में रह जाए कुछ क्षण और तो पूरे संसार को जला के भस्म कर डालेगा, पूरे संसार को भस्म कर देगा। जानते हो दूसरे के सुख के बारे में, माता का सुख क्या होता है? पुत्र को जन्म देना। मैया ने त्याग किया पूरे इतने वर्षों तक, तो आज देवता ने आकर के कहा और आज हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का जन्म होता है। देखते ही देखते बहुत बड़े हो जाते हैं, मुकुट स्वर्ग तक आ जाता है, कंधे तक सूर्य और चंद्र आ जाते हैं, हाथ से बड़े हाथ में बड़े से गदा को लेते भय और सागर की ओर बढ़ते हैं। हिरण्याक्ष सागरों की लहरों पे अपने गदाओं का प्रहार करते करते खेलते भय हैं। इतने में ही नारद जी दिखते हैं। इस तरह से नारद जी आते रहते हैं। नारद जी वो हिरण्याक्ष के ओर बढ़ता है। हिरण्याक्ष अरे अरे मैं लड़ना नहीं जानता, मैं लड़ नहीं सकता, भजन करना। अरे नारद सुनो तो, कौन मुझसे लड़ेगा, मैं जिसे भी युद्ध के लिए कहता हूँ युद्ध करने के लिए तैयार होता है, युद्ध करने को तैयार होता नहीं, क्या करूं पता नहीं। हिरण्याक्ष को आज नारद ने कहा कि इस समय आप तुमसे लड़ने वाला कोई दूसरा नहीं है, तुमसे लड़ने के लिए सामर्थ्यवान एक परमात्मा ही है, भगवान विष्णु। कहां मिलेगा विष्णु, कैसा है विष्णु? अरे विष्णु अभी वाराह के रूप में वो सागर के नीचे जा रहा है रसातल, और रसातल से पृथ्वी को लाएगा और स्थापित करेगा। अब क्या, तो भगवान वाराह जो जल के नीचे जा रहे थे, आपको मैंने कहा था ना कि जल के भीतर वाराह ने गर्जना लगा के छलांग लगाया, तो वाराह जल के भीतर जाते जाते वाराह भगवान आज रसातल में गए और वहां अपने थूतने पर मिट्टी को लिया और ऊपर की ओर आ रहे हैं। जल से ऊपर, जल से ऊपर, जल से ऊपर भगवान वाराह आ रहे हैं, और जल के नीचे, जल के नीचे हिरण्याक्ष बड़ी सी गदाओं को लेते भय कुछ कुछ नीचे जाने के बाद वाराह भगवान को हिरण्याक्ष ने देखा और हिरण्याक्ष ने कहा अरे रुक जाओ, ठहर जाओ, अरे सुगर कहीं का ठहर जाओ, अरे विष्णु छलिया मैं तुझे पहचानता हूँ, मैं तुझे पहचानता हूँ, तुझे पता नहीं ये पृथ्वी ब्रह्मा ने हम सारे दैत्यों को प्रदान किया है, मैं तुझे अभी और भगवान की कृपा है इस संसार में आप इस संसार में आप तब तलक ही रह सकते हो, इस संसार में आप तब तलक ही रह सकते हो जब तलक ठाकुर की कृपा होगी। जिस दिन ठाकुर की कृपा नहीं होगी उस दिन आप नहीं रह सकते हो। जिसे मारना मेरे कन्हैया चाहते हैं उसे कोई बचा नहीं सकता, और जिसे जिसे बचाना
जिसे बचाना कन्हैया चाहे उसे कोई, और जिसे मारना कन्हैया चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। आज परमात्मा ने सूकर के रूप को धारण किया, दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी मैया को रसातल से लाया, और जैसे दुग्ध में बहुत ज्यादा दुग्ध में थोड़ा सा दही डाल दो तो वो सारा दूध क्या हो जाता है, दही हो जाता है। दूसरा सिद्धांत कहना है कि इतना विशाल था उसका वो स्वरूप, उसके मरने के बाद उसकी वो गुदा पूरे जल में फैल जाती है और पूरे पृथ्वी, वो पूरे जल पृथ्वी का रूप धारण कर लेता है। मैया पृथ्वी की जय हो, मैया धरित्री की जय।